हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपका सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम 10th क्लास का जो सेकेंड लेसन है भारत में राष्ट्रवाद, और इसका पार्ट है 8 और सब्जेक्ट है SST 10th क्लास का। और इससे पहले के जो आपके पार्ट हुए उनके अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद जो एक विचारधारा है जो देश को संगठित करता है, और यूरोप में सबसे पहले ये राष्ट्रवाद का विचार है परंपरा, और फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में वहाँ से ये विचार निकल के आया था। और धीरे धीरे इस राष्ट्रवाद के विचार ने यूरोप के देशों को जो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे उनको ये किया था। और कहने का जब औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों का दौर है, और अंग्रेजों के दौर के साथ साथ जिस प्रकार से उन्होंने हमारे देश के अंदर राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक जो ढांचा है उसको चेंज किया, और उसके अंदर अपने आप को उन्होंने अब मजबूती से स्थापित किया। और मजबूती से स्थापित करने के साथ साथ किस प्रकार से देश को नुकसान पहुंचाया, ब्रिटेन या अपने आप को उन्होंने लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए जिस तरह की नीतियाँ पॉलिसियाँ यहाँ पर बनाई उन सब के चलते किस प्रकार उन्होंने भारत के अंदर एक सरकारी व्यवस्था को स्थापित किया, और उनसे आज़ाद होने के लिए भारत में जो राष्ट्रवाद की पहल चली उन सब को पढ़ रहे हैं। और उस दौर को पढ़ रहे हैं जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे देश में जो आंदोलन चले हुए हैं। हमने इससे पहले के पार्टों में दो आंदोलन पढ़े महात्मा गांधी के जो राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन थे, एक आंदोलन उसमें भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा उसके अंदर था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन दो आंदोलनों के बाद जिस तरह के माहौल जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी, और उन परिस्थितियों के दौरान अलग अलग वर्ग के लोगों ने जिसमें अपना पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने उसके अंदर योगदान दिया, और उन सबके स्वराज्य के क्या मायने थे, आज़ादी के बारे में वो क्या सोचते थे, किस तरह की सोच को लेकर वो महात्मा गांधी के साथ इस आंदोलन में सहयोग करने के लिए निकले थे, उन सब चीज़ों को पिछले पार्ट में पढ़ा। आज हम देखेंगे कि महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कुछ सीमाएं थी, कुछ समस्याएं थी, और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या कदम उठाए वो सारी चीजें देखेंगे। तो महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 के दौर की बात अगर हम करें तो उस दौरान एक वर्ग था जिसका नाम था दलित वर्ग। और दलित वर्ग जहाँ उस वर्ग को कहा जाता है, यह एक सम्मानित शब्द प्रयोग किया गया उनके लिए जो छोटी कास्ट के लोग बोले गए, जो कूड़ा करकट, सफाई, नालियों की सफाई या छोटे दर्जे के जो काम लोगों के द्वारा या ग्रामीण सोच वाले व्यक्तियों ने जिन चीज़ों को माना उन सब चीज़ों के दौरान हम देखते हैं कि इस वर्ग की उपेक्षा की गई। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सिस्टम है एक राजनीतिक संगठन था बड़े स्तर का, उसके अंदर ऐसे लोगों का जमावड़ा था, ऐसे लोग शामिल थे, वो कहीं ना कहीं इस तरह की सोच या इस तरह के समाज के लोगों से दूरियां बना के रखते थे। और महात्मा गांधी का ये मानना था अगर हम इस वर्ग, ये बहुत बड़ा वर्ग भारत का है, अगर राष्ट्रवाद चाहते हैं तो इस वर्ग की भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र अपने आप में जब भी होगा जब हर वर्ग इकट्ठा होगा एक उद्देश्य के लिए वो तय करेंगे, और एक उद्देश्य के लिए तय करने के लिए इस वर्ग का आंदोलन में और इकट्ठा होकर आगे बढ़ने का संघर्ष की जो लड़ाई है उसमें अगर सहयोग करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने इन वर्ग को ऊपर उठाने के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया हरिजन, ठीक है। हरिजन जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया, हरि का मतलब होता है भगवान और जन का मतलब लोग, मतलब उन्होंने कहा कि दलित लोग हैं ये जो छोटे तबके के लोग हैं ये भी भगवान की संतान है और हम भी भगवान की संतान है। जब बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया तो हम भेदभाव किस लिए करें, इसलिए उन्होंने कहा कि हरिजन शब्द है, इनको समान सूचक शब्द है और इसको स्वीकार करें। और इसीलिए उन्होंने आंदोलन छेड़े, और आंदोलन जो उन्होंने किया उनके साथ साथ उन्होंने दलितों को या तो छोटे तबके के लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए बड़े तबके के लोगों से आह्वान किया कि जिस तरह की छुआछात की जो आप भेदभावपूर्ण व्यवस्था कायम है इनको त्यागो और अपना हृदय को साफ करो, मन को साफ करो, और इन लोगों को गले लगाओ और समाज में इनको भी सम्मान दिया जाना चाहिए। और इसके लिए महात्मा गांधी ने एक पहल की थी कि वो गाँव गाँव घूमते जो महिला ढोने वाले हैं उन लोगों का सम्मान, जो को कार्य कर रहे हैं उस कार्य को सम्मान दिलाने के लिए इन्होंने एक पहल की। ये श्रम शौचालय को साफ करते थे और ये मानते थे इस तबके को साफ आना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम संघर्ष नहीं।
कुछ पढ़ा था, उन्होंने इनको अधिकार दिलाने के लिए 1930 में एक संगठन बनाया था जिसका नाम था दलित वर्ग एसोसिएशन, और इसके द्वारा वो भारत में दलितों को अधिकार दिलाना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि राजनीतिक रूप से अगर इनको अधिकार मिलेंगे तो ही ये समाज में अपने आप को जो दबे कुचले हैं या फिर जिस प्रकार इनका शोषण किया जाता है उन शोषण से मुक्त जभी हो सकते हैं जब ये संगठित बनाकर राजनीति में आएंगे। और ये आरक्षण की मांग करते थे, प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग करते थे, और ये मांग करते थे कि हमें भी अलग से सीट मिलनी चाहिए। तो इस तरह की जो इन दोनों के बीच विचारधारा मतभेद हुआ था उनके चलते एक लंबे विरोधाभास रहा, लेकिन पूर्ण समझौते के बाद महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता होने के बाद ये एक साथ एक मंच पर आने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा ऐसा तबका दलित समाज का था वो अब भी अपने आप को डरा हुआ, दबा हुआ, कुचला हुआ और अधिकारों से वंचित मानता था। अब इस तरह की परिस्थितियां देश के अंदर बन रही है, ये बात है 1935 और 36 के दौर की, और इस दौरान देश संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में बड़े स्तर पर तो दिखाया जा रहा है कि बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं कि हमें अपने देश से आजादी चाहिए। कहीं ना कहीं ये तबका एक ऐसा था ये तो ये कहता था अंग्रेजों से आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन जो इस देश में पूंजीपति है, इस देश में जो बड़ा वर्ग है, इसमें जो ब्राह्मण सोच रूढ़िवादी सोच वाले हैं वो तो इनका शोषण करेंगे, उनसे आजादी कम मिलेगी, इनको जब तक अधिकार नहीं मिलेंगे तो ये आजादी का मतलब क्या है इनके लिए? क्योंकि ये तो अंग्रेज को चले जाएंगे, यहाँ के जो काले अंग्रेज है, यहाँ के जो रूढ़िवादी मानसिकता के लोग हैं वो तो फिर भी इनको दबा के रखेंगे। तो इस तरह की सोच को चलने आपस में बहुत सारा बड़ा ऐसा वर्ग था जो आज भी अपने आप को दबा कुचला मानता है। उसके साथ साथ एक वर्ग और था जिसका नाम था मुसलमान थे, मुस्लिम समुदाय इस्लाम को मानने वाले लोग, इनकी संख्या भी देश में काफी थी, और इस वर्ग को चलते हुए ये चाहता कि हमें भी राजनीतिक अधिकार मिले, और जिस क्षेत्र में मुसलमान ज्यादा है उस क्षेत्र में मुसलमानों को ज्यादा सीटें दी जाए केंद्रीय सभा में, विधानमंडल में और प्रांतों में भी इनको अपने अपने हिसाब से वर्ग के हिसाब से इनको अधिकार दिया जाए। क्योंकि मुस्लिम समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी ये मानते थे अगर वो उनके अधिकार की रक्षा नहीं की गई, अगर इनको अधिकार नहीं दिए गए तो इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो सभ्यता है, ये जिस विचारधारा को मानते हैं उस विचारधारा को ये जो जिनकी संख्या ज्यादा है या हिंदू समाज है ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाएगा, मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देगा, इस तरह की सोच को लेकर ये आगे बढ़ने लगे। और राजनीति के भी अंदर हम देखते हैं कि ये जो विरोधाभास है, इस विरोधाभास के चलते जब भारत आजाद हुआ तो भारत जब आजाद तो हुआ लेकिन उनके साथ साथ देश में बंटवारे हुए, एक हिंदुस्तान था या भारत और एक पाकिस्तान, ये कहीं ना कहीं जो मुस्लिम विचारधारा है उस मुस्लिम विचारधारा की ही देन है जिनके आपस में विरोधाभास में राजनीतिक अधिकारी चाहते थे। और जो कहीं ना कहीं जब ये एक होना चाहते थे कहीं ना कहीं इनको ये करने की पहल चल रही थी, लेकिन जितना जैसे लोग स्वार्थी लोग या जितना जो मुस्लिम समुदाय के समय बड़े एक नेता के रूप में उभर के आए थे, इन्होंने भी अपने समुदाय के अधिकारों के लिए पहल की थी। और जब आजादी की बात ये करते थे, अपने अधिकारों की बात ये करते थे और एक पत्थर अलग से अपना एक प्रांत मानते थे, साथ साथ ये अधिकार भी चाहते थे कि इनको अगर राजनीतिक रूप से अगर अधिकार नहीं दिए गए तो इनका समाज खत्म हो जाएगा, मुसलमानों का कोई भी किसी प्रकार से इस देश में वर्चस्व नहीं रहेगा और इनको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, इनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। और साथ साथ जो कांग्रेस के द्वारा है, कांग्रेस के अंदर हिंदू महासभा के सभा के लोगों ने भी अलग तरह के भावनाओं के साथ चलते हुए मुसलमानों के प्रति हिंसात्मक या फिर उनके साथ गलत व्यवहार किया, कहीं ना कहीं ये उम्मीद जब बनती थी कि हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं, और इकट्ठा करने के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि भाई देश संगठित हो, एक राष्ट्र की भावना जो चलती है या एक राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं उन सबको वो इकट्ठा करे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हिंदू समाज में दलित वर्ग कहीं कहीं उपेक्षित था, और अगर पूरे देश की अगर इस धर्म के आधार पर कहें तो मुसलमान अपने आप को उपेक्षित मानते थे, तो ये एक ऐसा माहौल था जिसके चलते राष्ट्रवाद को मजबूती नहीं मिल पा रही थी। और इनके लिए भारत के जाने माने बड़े राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, उनके द्वारा काफी प्रयास भी किया गया इनको इकट्ठा करने का।
समुदाय के लिए कहीं ना कहीं पहल की गई, अधिकार दिए गए, आरक्षण की व्यवस्था दी गई, समान सूचक शब्द इनके लिए महात्मा गांधी जैसे लोगों ने दिए। और अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया उस दौरान इनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया और आरक्षण की व्यवस्था इनको दी गई। लेकिन मुसलमान जो वर्ग है ये कहीं ना कहीं नाराज ही रहा और इसके बाद जो भारत आजाद हुआ तो उस दौरान इन्होंने धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग की। तो बच्चों ये देखा कि कौन से वर्ग की वजह से ये जो राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन चले, संविधान के आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें ये सभी वर्ग के लोगों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे, लेकिन कुछ आपसी मतभेद के कारण ये इस तरह की भूमिका नहीं निभा पाए। तो बच्चों आज का जो पाठ है ये यहीं पर समाप्त होता है। और इधर आपका सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़िया जी का यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस की जो फैसिलिटी है, और टेंथ क्लास आपको पता है बोर्ड की परीक्षाएं हैं, और फ्यूचर में आगे जो ऑनलाइन क्लासेज है इसके द्वारा आपका सिलेबस कवर किया जा रहा है। और साथ साथ आपके बहुत सारे ऐसे लेसन हैं जो आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी कम किया गया है, कुछ लेसन है जो हटा दिए गए हैं, उनकी लिस्ट भी आपको मिलेगी और या फिर आपको आगे अवेलेबल करवा दी जाएंगे। और साथ साथ आपके जो ऑनलाइन क्लासेज है इसके द्वारा आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं और समय रहते आपका सिलेबस भी पूरा करवाया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।